राणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैथल जिले में बरसाना हाबड़ी रोड पर पराली के ढेर में युवती की अधजली लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतका के पति सलिंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी बरसाना गांव का है और मृतका का नाम प्रियंका था। जानकारी के अनुसार गांव बरसाना में विवाहित प्रियंका अपनी ननद के गांव में जा रही थी। उसके पति सलिंद्र ने उसे घटना के दिन रोक लिया और खेतों में ले गया। उसने खेत के कोठे में ले जाते समय ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शाम के समय उसने पराली के ढेर में शव को रखकर आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया। कई दिनों से गांव बरसाना निवासी प्रियंका लापता थी। पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़ते हुए मामले में सफलता हासिल की है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कर ली है। कैथल से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। तो मैरिज तो एक रात है ना, रुकना भी पड़ेगा, तो ये वहाँ पे इन्होंने आग जलाई और आग जलाने के बाद इन्हें शिकाई ये सीखते रहे, कुछ खाते पीते रहे। इसने ड्रिंकिंग कर रखी थी और उसके बाद इसने भाई यहीं पर है ना इंजॉय भी करेंगे, उसके क्या नाम है हाथ भी बांध दिए पैर भी, अगर हम इंजॉय करेंगे उसको अपने विश्वास में ले लिया तो वो भी इसकी बात मानती रही। तो हाथ पर जैसे 10-11 10:30-11 हो गए ना, उसके बाद इसने उसकी एक ईंट उठाई, उसकी उसको ओदी से भी मारा, उसको ईंट से भी मारा, उसको अधमरी करके और इसने उसको आग में के हवाले कर दिया। अब इसको हमने कल करुक क्षेत्र से सैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और अब जैसे भी आगे का जैसे इसकी मोटरसाइकिल भी घुमा रहा था और तो इसके साथ कौन कौन था, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। और टीम हमारी लगी हुई थी CIA 1 टीम को बहुत बहुत बधाई हो, इसने ये 302 वाला बहुत अहम इसको हासिल करें। इसका इसके शक के आधार पर इसने ये इस पर है ना 10 साल से शादी हो रहा था कि ये मेरी बात को हर टाइम इग्नोर करती है और इसका चरित्र पे शक करता था, वो शक की सुई इसको अटकी हुई थी अगर, और इसी बात पे ये इसके हर टाइम जैसे मैं इसको बोलता हूँ तू यहाँ जा तो ये मेरी अनसुनी बातों को करती थी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।